खम्बा गनीसा, सभी बड़ों को धूप और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं नीतू शेखावत, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सारे डाउट मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए क्लियर करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी सारे आपके जो कमेंट्स के सबके मैं रिप्लाई करूँगी आज अपने ब्लॉग के ज़रिए। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी जो भी आप लोगों ने मुझे इन 4-5 दिनों में जो भी मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है, तो मैं उन सारी चीज़ों का आज मतलब रिप्लाई करूँगी यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि रिप्लाई मैं आज यहाँ ब्लॉग के ज़रिए देने वाली हूँ। आपकी जितने भी जो भी आप लोगों की मतलब जो भी आप लोगों ने नेगेटिव या पॉजिटिव मुझे बोला है इन दिनों, तो मैं सभी के आज यहाँ रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलो बिना कुछ देरी किए हुए मैं आपको सारी बातें के डाउट है और जो भी हम लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और या फिर जो भी मतलब इन दिनों हो रहा है, तो मैं आज अपने ब्लॉग के ज़रिए पूरा क्लियर करूँगी। तो बिना स्किप किए हुए ब्लॉग को पूरा देखिए। और तो क्या, तो हाँ, किसी को तो मैं और भी लगा रही हूँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये मैंने नोटिस किया है कि आप इतना और क्यों बोलते हो। तो यार, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है और मैं सबके कमेंट्स का मतलब रेस्पेक्ट करती हूँ। सबने अपने अपने थॉट्स रखे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए। और तो मैं देखो बोलूँगी, क्योंकि मेरी आदत है ये, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। उसमें आप सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। आप भी कोई ना कोई वर्ड यूज़ करते होंगे। तो कई कई लोगों को मेरे और बोलने से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम बोलूँ। बट हाँ, मतलब यू नो, एक साथ तो हम लोग छोड़ नहीं सकते ना ये, क्योंकि आप सडन बोलो कि आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो वो एक पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहले तो मैं अपने कमेंट्स की बात करूँ, तो कमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि वो काम से डर के भाग गए अपने पीहर। और एक्चुअली मैं उनकी भी रेस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, 10-15 मिनट पूरा व्लॉग देखा। सबके व्लॉग देखते हैं और फिर वो अपना जजमेंट रखते हैं, तो मैं उनकी भी रेस्पेक्ट करती हूँ। तो उनका नाम था बाईसा शेखावत, और एक बाईसा और थी जिनका नाम किरण चौहान कुछ करके था, और एक बाईसा और है जो कि ज्योति कुछ करके नाम है उनका। तो आई बिन चाह रहे हैं निशा, आप कहाँ हो? निशा, आप ठीक तो हो? तो उन लोगों को सच में दिल से थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक फैमिली बनाई है अपनी। तो मतलब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो गाइस, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पहले हम लोग नेगेटिव से, अच्छा है कि हम लोग पॉजिटिव लोगों की बातें करें। तो मतलब मैं उनको ज़्यादा महत्व देती हूँ, उन लोगों को ज़्यादा महत्व देती हूँ जो मेरे मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत मेरे भर भर के मेरे पास इंस्टा में मैसेज आ रहे हैं और भर भर के मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो उनको भर भर के ढेर सारा सच में ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। लव यू गाइस, आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए शूट करूँ। तो सिर्फ ये पॉजिटिव लोगों के लिए है, उन्हीं के लिए मैं शूट कर रही हूँ। तो यू नो, मैंने इन दिनों आप लोगों को सच में 5-6 दिन मेरे कैसे गए, सिर्फ आप लोगों के जो अभी रिसेंटली कमेंट्स कर रहे हो उनको देख देख के मतलब मेरे 5-6 दिन गए हैं। तो मैंने सच में लिटरली आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो अब मतलब कोई मुझे ऐसे बोल रहा है कि सच में हमारा दिन नहीं निकलेगा, अब अपने ब्लॉग्स डालो। मतलब मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, तो उन सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि गाइस, मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ और मैं अभी अपने पीहर में हूँ। और मैं आप लोगों के लिए ही ये ब्लॉग लेके आई हूँ, अदरवाइज़ इन दिनों मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए आई हूँ मैं। तो अपनी पीहर क्यों आई हूँ, मैं ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो एक्चुअली थोड़े दिन पहले की बात है कि आप ये सोचोगे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, तो मैं बता देती हूँ आपको। तो रीज़न कुछ नहीं है एक्चुअली। मेरे आपको पता होगा फादर की तबीयत ख़राब थी, तो मम्मा मेरे वहीं पर थी केकड़े में। और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि मेरे भाई को मतलब यू नो यहाँ खाना वाना बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि अभी वो छोटा है, मुझसे छोटा है। तो और लड़का है तो यू नो कोई कोई बना लेता है, कोई कोई नहीं बना पाता है। तो मेरा भाई नहीं बना पाता खाना वगैरह। तो 2-3 दिन तो मेरे यहाँ ससुराल आ रहा था खाना खाने के लिए, बट फिर उसको यू नो शर्म आने लगे कि नहीं नहीं यार जीजा, मैं रोज़ नहीं आ सकता वहाँ।
आप शाम को आ जाओगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो एक दिन मेरा बहुत मॉर्निंग में हेडेक हो रहा था, तो मैंने नून में ही मेरे भाई को बुला लिया अपने घर पे, क्योंकि रीज़न मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आती। और मतलब मेरा इतना तेज़ हेडेक हो रहा था, और मतलब यू नो फीवर सी आ गई थी, और वीकनेस तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी नींद पूरी नहीं होती, उस वजह से मेरा सर दर्द हो रहा था, फटे जा रहा था पूरी तरीके से, आज भी मुझे याद है वो दिन। तो इस वजह से फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, तो फिर भाई ने बोला यार 2-3 घंटे हो गए, और मैं मतलब यू नो बच्चा फीड करता है तो आप कोई टैबलेट नहीं ले सकते हो जब तक आपके डॉक्टर आपको डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं कर लेते हो। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा नीतू टेक सम रेस्ट। तो मैं घर आई, देन मैंने टैबलेट ली अपने पीहर वाले घर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर मैं अपने शरीर में हूँ, रेस्ट करने के बाद मैं 5-4 घंटे बाद में मैं चली जाऊँगी। तो मैं घर पे आती हूँ 5 के आसपास, मैं आपको पूरे डिटेल में बता रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपके बीच में और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या फिर क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपसे हर एक बार शेयर करना चाहती हूँ। और उसके बाद में देन 6-7 बजे के बाद में मैं घर आ गई, देन मैं टैबलेट ली, और टैबलेट्स यू नो खाती हैं आप थोड़ा सा आराम की आपको ज़रूरत होती है। तो मैं सो गई, और मेरी जो आँख खुलती है वो 9:30-10 के आसपास खुलती है, और तब तक हेज़ल जगी हुई थी और उसे मेरा भाई संभाल रहा था, और कुछ वो सॉलिड खा लेती है, तो इस वजह से चंदन ने उसको कुछ मतलब सॉलिड खिला भी दिया था, लाइक दूध एंड बिस्किट हो गया, क्योंकि उसे खाना तो बनाना नहीं आता, तो उसने मतलब बिस्किट को डाल के दूध में उसको खिलाया और उसको खिला ही रहा था, तब से वो सोई नहीं थी। फिर मैं 10 बजे जब उठती हूँ, मैंने टाइम देखा यार आज तो लेट हो गए, लेकिन ठीक था, ज्योति जी वहाँ थे, मैंने ठीक है मतलब ज्योति जी तो है ही वहाँ पे, पापा अकेले नहीं है, और फिर सुबह मैं चली जाऊँगी, चलो अच्छा मेरा आज आराम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में मैं अपने पीहर में रुक गई रात रात के लिए, फिर मैं चल मॉर्निंग में चलूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आता है अप्रॉक्स 10 o'clock, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप वहीं रुक जाओ। देन मैंने पूछा कि क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे, तो उन्होंने बोला कि हम मतलब भैया ने मतलब हमारे जो भाई साहब है, भाई साहब कम जो मेरे जेठ हैं, उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने और मामा ने मिलकर एक म्यूचुअल ज्योति जाने सब ने मिल के एक म्यूचुअल डिसीज़न लिया है कि नीतू को या नीतू को मतलब आप आपकी लैंग्वेज नीतू है बट मुझे नीतू बोलते हैं घर पर, तो निशा को आप वहीं छोड़ दो 15-20 दिन के लिए। मतलब ये मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि आप वहीं पे रहो और 15-20 दिन आप वहीं रुको, क्योंकि मम्मा ऐसे बोल रहे हैं कि अभी जो हेज़ल है वो छोटी है, और जैसे कि आपने देखा है ज्योति जीजा की भी बेबी जो है वो भी बहुत छोटी है, तो ये दोनों मेरे 24 hours मेरे पीछे पीछे नहीं रह सकते। लाइक मम्मा को उठा के लेके जाना पड़ता है वॉशरूम तक, या मम्मा को वॉक करवाना पड़ता है, या फिर मतलब यू नो 24 hours उन्हें कोई ना कोई एक बंदा चाहिए उनके ऊपर। और भाभी सा के प्रीति भाभी सा के बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, वो एकदम फ्री है इस चीज़ को लेके, हालांकि फ्री कोई भी नहीं होता है, आई नो कि उनके भी बच्चे हैं थोड़े बड़े बट स्कूल टाइम चल जाता है, लेकिन वो समझदार हो गए उनके बच्चे। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि वो उनके जो बच्चे हैं थोड़े समझदार हो गए हैं, बात मान लेते हैं, तो उनको मतलब और सबसे बड़ी बात भैया भी थोड़े से हेल्पिंग नेचर के हैं, तो इस वजह से भी मतलब भैया और भाभी साहब मम्मा को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। तो मम्मा ने सब कहा कि नीतू का वहीं छोड़ दो। और अब आप ये पूछोगे कि आपको ऐसा क्यों बोला, तो मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि घर में आपने देखा होगा हमारा घर थोड़ा छोटा है, 3 BH का फ्लैट है हमारा, जिसमें से एक तो पापा का ही है, वो परमानेंट पापा ही रहते हैं उसमें, और जो दूसरा रूम है वो स्टोर रूम है, और उसे हम गेस्ट रूम एज अ गेस्ट रूम यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अनशन सामान पड़ा रहता है। और जो थर्ड बेडरूम है वो मेरा है, उसमें मतलब यू नो सिर्फ मैं आ जाती तो फिर भाभी साहब और भैया और उनके बच्चे कहाँ रहते हैं, तो और मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं एक्चुअली, वो बाहर रहते हैं, तो बिज़नेस के पर्पज़ से अपने बिज़नेस के पर्पज़ से वो थोड़ा सा बाहर ही आउट ऑफ जयपुर ही रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहीं पे रुको, तो मैंने भी बोला चलो ठीक है मम्मा को ये अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ। और लिटरली मैं अपना ब्रश भी नहीं लेके आई थी, वो भी मैंने अपने अभी हस्बैंड से मंगवाया था जब वो अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले आए थे तब। ये सारी बातें हुई, और ये बातें होने के बाद में मैंने बोला ठीक है चलो आप मेरे कपड़े ला देना और हेज़ल के कपड़े ला देना, तो उन्होंने बोला जब भी मैं आऊँगा जयपुर तो आपके सारे कपड़े और ला दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मम्मा से बात नहीं होती है, मेरी बहुत बातें होती है वीडियो कॉल पे, और ब्लॉग मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे इन दोनों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, किसी में मेरा मन नहीं लग रहा था, और मतलब
क्या बताऊँ आपको। और लोग पता है मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो मैं उनकी उम्मीद पे भी एक दिन खरी उतरूँगी, क्योंकि मेरी अभी शादी को एक साल और सात महीने हुए हैं, क्योंकि मेरा बेबी है वो 9 महीने की हुई है। कई भाई साहब और जीजा कमेंट करते हैं मुझे कि आप प्रीति भाभी साहब कितना काम करते हैं, आप उतना काम नहीं कर पाते हो, तो मैं उनको भी जवाब देती हूँ कि भाई साहब एक्चुअली मैं अभी उनसे बहुत छोटी हूँ पद में भी और वैसे भी एज में भी, क्योंकि लाइक होता है उनका एक्सपीरियंस अभी 8-9 साल का हो चुका है, उनकी शादी को 9 साल 8-9 साल हो चुके हैं और मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है एक्चुअली परफेक्ट। अभी मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है और आप मुझसे एकदम परफेक्ट बहू एकदम ऐसा वाला चाहते हो तो मैं वो मतलब बनूंगी, लेकिन घर में आयो मतलब किसी ऐसे के घर में आयो उनको आप सबका नेचर को भी जज करने में आपको शायद अप्रॉक्सी 1.5 साल लग जाते हैं कि किसका नेचर कैसा है, तो अभी मेरे को सिर्फ वही उसी चीज़ में कि किसका क्या नेचर है, तो उनके साथ ढलने में भी टाइम लगता है और मैं अपना 101% देती हूँ, क्योंकि जितना मुझसे हो पाता मैं करती हूँ। और हाँ, एक दिन मैं आपको प्रीति भाभी जैसा भी बन के दिखाऊँगी क्योंकि हाँ बहुत काम करते हैं और वो आई नो, लेकिन लाइक मुझे आए हुए 1.5 साल हुआ है तो शायद 8-9 साल में मैं भी प्रीति भाभी जैसे परफेक्ट बन जाऊँगी, तो ट्राई करूँगी मैं और अपना अच्छा दूँगी, और बहुत जल्दी मैं अपने ससुराल जाके आप सबको उनसे मिलवाऊँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, और आप मतलब 1.5 साल और 9 साल को कैसे कंपेयर कर सकते हो, उसमें बहुत आदमी सीख जाता है, 9 साल में आप दुनिया देख रहे हो तो कितना सीख जाते हो ना, और मैं मैनेज कर रही हूँ और आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरूँगी, एक दिन बहुत काम करके दिखाऊँगी आप लोगों को। और तो बस हुकम लाइक पता है ये सब कुछ जो मैं अभी कर रही हूँ इतना काम, ये भी मेरे लिए करना बहुत बड़ी एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने घर में कभी भी अपने पी घर में काम नहीं किया था, और मतलब कभी मैंने अपने घर में मुझे याद नहीं आता है कि मैंने कभी चाय भी बनाई हो, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, फिर भी मैं अपना 101% दे रही हूँ, और एक दिन आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरूँगी मैं तो यही होता है, मैंने अपने पीहर में कभी काम नहीं किया और अब मैं यहाँ आके बहुत सा काम सीख रही हूँ, और अपने पापा कुम को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने सच में इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि सिर्फ मेरे पापा कुम ही हैं जो मुझे हर चीज़ सिखाते हैं और हर चीज़ के बारे में बताते हैं, डीपली बताते हैं, आखिर मैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उनसे बहुत सच में बहुत मेरे फादर इन लॉ के मतलब जगह मुझे मेरे रियल पापा ही मिल गए, वहाँ पे मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सब अपनी जगह बेस्ट होते हैं, और मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं और बेस्ट हूँ और सच में। और अब मैं आती हूँ कुछ नेगेटिव लोगों के ऊपर, लोग हैं जो बहुत ही अजीब अजीब बातें करते हैं, एक्चुअली उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, तो ये बहुत गलत चीज़ है यार, आपने अभी कुछ पता ही नहीं है और जिसे आप पूछ रहे हो उसने भी आपको कुछ बताया नहीं है, और आप अपने मन से किसी को जज कर रहे हो, और सो हुकम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे घर में कि आप कुछ भी कमेंट्स कर रहे हो निशा कहाँ है ये कहाँ है, तो मैंने आपको आज अच्छे से बता दिया है, मैं शक कुशल अपने घर पर हूँ, और प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए, और नेगेटिव लोगों के लिए मेरे पास मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लाइक होता है वो मेरे हिसाब से वो सब्सक्राइबर तो नहीं हो सकते मेरे, लाइक उनकी फेक आईडीज़ थी जो कि अभी रिसेंटली बनाई है उन्होंने और उसी से कमेंट करे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं और मैं सच में बहुत मैनर्स हैं बात करने की, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ फेक आईडीज़ हैं 101% वो फेक ही है, और मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, शिकावत भाई साहब कुछ करके हैं, तो भाई साहब आपने जो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए जो एंशेंट बोला है, हालांकि मैंने आपको एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा मैं आपको क्या बोलूँ, आप मतलब खुद से अपने मुँह से मतलब यू नो गंदा गंदा बोल रहे हो तो आप खुद ही गंदे हो रहे हो,
खुद को बोल के और खुद की प्रोफाइल बता रहे हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं उनके लाइक यू नो मैंने सोचा ठीक है मैं ब्लॉग में बोलूँगी, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस आपके लिए बोलना चाहती हूँ कि किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले आप एक बार ये सोच लो कि आप भी एक लड़की हो और आपका भी आगे ससुराल होगा और आपका भी आगे जो भी होगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी शिकायत भाईसा को कि भाईसा राज आपको थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग देखा और आप कंटिन्यू ऐसे ही देखें ब्लॉग मेरे, और आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा और आगे से आप ऐसा नहीं बोलोगी, और लिटरली आपको भी थैंक यू कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, आप अपने कीमती 15 मिनट मुझे देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक था किरण भाई सा कुछ करके, वो जो कि मुझे भाभी सा से कंपेयर करते रहते हैं, और मैंने अभी आपको बताया जैसे कि आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, उनकी शादी को 7-8 साल हो गए, मेरे को अभी 1.5 साल हुआ है। और एक है ज्योति भाई साहब, वो उनको मैं थैंक यू बोलूँगी, एक्चुअली मैं आप तीनों को ही थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, तो प्लीज़ आप अपनी नेगेटिविटी ना फैलाएं आज के बाद, आई होप सो कि आप नहीं फैलाओगे, क्योंकि यू नो इससे आपका खुद का कैरेक्टर पता चलता है कि आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो। और थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से सबके साथ हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, तो प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी मत फैलाओ, भाभी साहब बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत अच्छी बनती है उनसे, प्लीज़ आप लोग ऐसे अजीब अजीब से कमेंट करके हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट मत करो, और ज्योति जी जा तो बेस्ट से बेस्ट है ही आपको पता है, और मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, हंसते खेलते हैं निकल जाती है, तो जैसे आपको जीना है वैसे जियो और जैसे आपको रहना है वैसे रहो। और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने मुझे कभी कैसे रहने से या कैसे पहनने से कभी मना नहीं किया है, तो ये सारी बातें मैंने आज आपसे क्लियर की है, और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आपसे मिलूँगी। ये तो सिर्फ मैंने बहुत मेरे मतलब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की वजह से मैंने वीडियो बनाया है, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मेरे चैनल पे यूँ ही बने रहें और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें जैसे अभी दे रहे हो आप सब। हालाँकि मेरे पास एक भी गंदा कॉमेंट नहीं आया, जो भी आया है ज्योतिजा या भाभी सा के आईडी पे आ रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि उनके आईडी पे गंदे कमेंट्स मत कीजिए, और उनके भी ब्लॉग्स देखते रहिए, मेरी भी देखते रहिए, थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा चेंज आपको मिलेगा, क्योंकि सबके एक जैसे ब्लॉग जाते हैं तो मतलब मज़ा नहीं आता है, कोई उनके देखता है, कोई फिर मेरे नहीं देखता, उनके देखता है, उनके मेरे नहीं देखता, तो अब आपको अलविदा कहती हूँ सबको, और मेरे जो रियल सब्सक्राइबर्स हैं उनको लव यू, तो उनको मैं मतलब बहुत 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 प्यार देना चाहती हूँ, और तो क्या, और तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा कल ही आएगा, तो अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ ना, गुड गुड गुड। वैसे मेरा जाने का पता 1% भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, व्लॉग लंबा बन जाएगा और अभी बोर होगी, क्योंकि आज दिखाने का कुछ है नहीं, तो कल दिखाऊंगी मैं आपको अपना सारा रूटीन वगैरह जो भी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और जैसे कि मम्मा ने कहा था कि 30 दिन बाद में आ जाना, तो मैं 30 दिन बाद में अपने ससुराल में आपसे सबको मिलाऊंगी, और तो क्या, लेट्स गो, टेक केयर, गुड डे।